नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2019। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 24 जनवरी 2020 की। दोस्तों हम बड़ी अपडेट देखने वाले हैं और बात करेंगे दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खुशखबरी आ रही है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए वो खुशखबरी क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आज से आपके लिए सीटेट के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा जुलाई में होगी और दोस्तों जिन छात्रों के नंबर यूपी टेट और सीटेट में कम रह गए, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दोस्तों लगता है कि आपके नंबर थोड़े से कम रह गए, जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं या जो छात्र दोस्तों फेल हो रहे हैं यूपी टेट और सीटेट में, उनके लिए दोस्तों एक सुनहरा मौका है आज से दोस्तों, वो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी आपकी कुछ वैकेंसीज आने वाली है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके 68,500 में दोस्तों तकरीबन 23,000 जो पद खाली हैं उसकी वैकेंसी दोस्तों साल के अंत में देखने को मिल सकती है। 2020 के दोस्तों अंत तक आते आते वो वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। तो दोस्तों इससे एक फायदा आपको ये कि अगर आप सीटेट जुलाई 2020 में एक अच्छी तैयारी करेंगे, अगर आप सीटेट में पास होते तो दोस्तों इस वैकेंसी में मतलब आपको आवेदन करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आज से आप लग जाइए तैयारियों में। और दोस्तों देखिए जिन छात्रों के पेपर टू में नंबर अच्छे हैं, देखिए अभी इसमें वैकेंसी कौन से आने वाली वो हम आपको पहले बता दें कि पेपर टू में दोस्तों अगर आप पास होते हैं तो हो सकता है कि दोस्तों आपको 4,000 शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप पेपर वन में पास हैं तो दोस्तों अभी कोई वैकेंसी फिलहाल दोस्तों ये तो नहीं है कि बिल्कुल आने वाली है पास में। तो दोस्तों जैसी कोई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करके बताएंगे। और दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अपियरिंग वालों का यूपी टेट मान्य है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्रों के मैसेजेस आ रहे थे। और दोस्तों देखिए अभी हम इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे सीटेट जुलाई 2020 के लिए आवेदन करने वाले हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, मतलब किन किन छात्रों को मौका मिलेगा उसको दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सब कुछ जानेंगे कि हाँ सिर्फ यही छात्र आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों हम मानेंगे कि आयोग कौन से प्रश्नों पर गलती मानेगा और कितने नंबर को बढ़ाएगा। जी हाँ देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि दोस्तों इस समय अगर आप यूपी टेट पास हो जाए तो दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छी बात होगी कि आपको दोबारा पेपर ना देना पड़े। तो यूपी टेट आपका क्लियर हो जाए तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। और कितने नंबर बढ़ सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है ना। अभी दोस्तों इसी पर हम डिस्कस कर रहे थे कि सीटेट जुलाई 2020 में किन किन छात्रों को मौका मिलेगा। और दोस्तों देखिए कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलने की उम्मीद है उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो के दौरान। और कुछ आज की जो बड़ी खबरें आई उसको देखते हैं। यूपी टेट बीटीसी व शिक्षा मित्रों के दूरस्थ बीटीसी के प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑनलाइन करेंगे सत्यापन। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का पत्र जारी हो चुका है, ठीक है ना। प्रदेश में बेसिक शिक्षा मतलब शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। अध्यापकों के डुप्लीकेट अंक पत्र व डिग्री से तैनात हो गए फर्जी शिक्षक, एसटीएफ ने किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। शिक्षक भर्तियों में साठ गांठ का ऐसा खेल, खुद ही करा लेते थे सर्टिफिकेट का सत्यापन। तो दोस्तों आज की जितनी भी बड़ी अपडेट्स हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए एसटीएफ ने 336 फर्जी शिक्षकों का किया खुलासा। तो आपके लिए एक और खुशखबरी, जो छात्र बेरोजगार हैं तो आपके लिए दोस्तों 336 वैकेंसी भी जल्दी आएगी। मतलब देखिए जो फर्जी शिक्षक है उनकी नौकरी जान सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। फर्जी हैं आप तो आपकी नौकरी तो जानी जानी है। और जो छात्र मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि 336 वैकेंसी और आप ऐड कर सकते हैं आने वाले समय में। देखिए जितने शिक्षक की नौकरी जाएगी उतनी ही नौकरी आपको मिलेगी। आपको बता दें कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों की दोस्तों जब नौकरी गई थी ना, तो ही दोस्तों आप उसके बाद ही आपके दोस्तों 68,500 जो वैकेंसी नहीं आई थी आपको याद होगा, और 69,000 शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों ये नौकरी आपके तब ही आई थी, मतलब दोस्तों इसमें इतने बच्चों को मौका मिला। जो बच्चे पढ़ने वाले थे आज वो नौकरी पाएंगे। शिक्षा मित्र भी नियुक्त हुए और दोस्तों बीटीसी और बीएड के छात्रों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो आपको दोस्तों यही चाहिए कि यार जितने टीचर निकल जाएं तो उतना भी आपको भी फायदा होने वाला है इनडायरेक्टली। मतलब जो छात्र बेरोजगार हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको नौकरी मिलना दोस्तों ज़्यादा जरूरी है, ना कि उनको दोस्तों नौकरी पर बने रहना कि जिनको कुछ आता ही नहीं है, खाली दोस्तों आप नौकरी करे जा रहे हैं। तो ये सब दोस्तों बातें आप बता दें। जो सरकार ने अपनी नौकरी निकाली थी ना, आप हो सकता है सुन के हंसेंगे, 1,37,000 दोस्तों आपका ये था शिक्षा मित्र को समायोजन निरस्त हुआ था। कितने शिक्षा मित्रों को नौकरी दी गई थी उस समय, 1,37,000। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपके दो पार्ट में आनी थी, 68,500 प्लस 68,500 करके। लेकिन दोस्तों जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी तो इसमें सरकार ने सिर्फ 500 नौकरियां ऐड की। मतलब सरकार के पास दोस्तों उस समय सिर्फ 500 रिक्त पद थे। मतलब सोचिए शिक्षा मित्रों को दोस्तों समायोजन 68,500 करके वैकेंसी थी, जो कि दोस्तों पद खाली थे, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 500 वैकेंसियां थी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जितनी नौकरियां जाती हैं उतनी ही नई नौकरियां आती हैं।
ठीक है, वो सब दोस्तों हम देखने वाले हैं। और चलिए दोस्तों एक एक करके सारी अपडेट्स को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को जो रेड कलर की सब्सक्राइब वाली बटन दिख रही है ना, उसको हल्का सा टच कर लीजिए दोस्तों, जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करिएगा, जी हाँ दोस्तों, ताकि वो भी आज की बड़ी अपडेट्स देख पाएं। और दोस्तों जो छात्रों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा था कि अपीयरिंग वालों का यूपी टेट मान्य होगा या नहीं होगा, उसको भी दोस्तों हम डिस्कस कर लेंगे और कितने नंबर आपके बढ़ने वाले हैं सब कुछ देखेंगे। और दोस्तों आज आपकी तारीख कितनी है, 24 जनवरी की सारी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचने वाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दें, जिससे कि आप लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए दोस्तों जो सीटेट जुलाई 2020 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब किन किन छात्रों को मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बीकमिंग टीचर फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज, जो दोस्तों छात्र कक्षा 1 से लेकर 5 तक, या दोस्तों जिसको हम बोलते हैं पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ और हम बता दें, पेपर 1 के लिए दोस्तों आपको 1000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप दोस्तों सिर्फ पेपर 1 का पेपर देना चाहते हैं या पेपर 2 का देना चाहते हैं, अगर दोस्तों सिर्फ नहीं होता आपके मन में कि यार पेपर 1 का दे लेते या तो पेपर 2 का, तो आपको दोस्तों 1000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप दोस्तों दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2, तो आपको दोस्तों 1200 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है आपके साथ, कि पिछले बार दोस्तों लगभग ये फीस आपकी 700 रुपये थी, 700 से बढ़ा के सीधे 1000 रुपये कर दिया गया। मतलब जो बच्चे पेपर 1 पास कर चुके हैं, पेपर 2 देना चाहते हैं, तो उनको ज़रूरत क्या है पेपर 1 देने की। तो मतलब दोस्तों क्या होता है ना कि आजकल जो छात्र है ना, बिल्कुल नहीं होता है कि बोलते ही नहीं है कुछ भी बढ़ा लो कुछ भी बढ़ा लो। मतलब एक तो दोस्तों ऐसा होता है कि नौकरी नहीं मिलती, जब नौकरी हो ना पैसा कहीं से आता रहता है ना, तो पैसा जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब इनकम का कोई स्रोत है नहीं, पैसा कहीं से आना नहीं है, और पैसा दोस्तों जाना है। मतलब 700 रुपये से 1000 रुपये क्या जरूरत थी बढ़ाने की फिर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि ये मैसेज सरकार तक पहुंचे कि गरीब बच्चे 1000 रुपये सभी नहीं दे सकते, देंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, मजबूरी का कभी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए कि आज आप मजबूर है तो आपसे दोस्तों 1000 क्या 10000 रुपये अब देंगे। होता है ना मजबूरी में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है नहीं यार 10000 लगेगा, तो आप देते हैं। लेकिन दोस्तों ये होता है ना कि मजबूरी का फायदा उठाना। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये पैसे जो है ना 1000 उसको घटा के वापस 700 रुपया किया जाना चाहिए, और दोनों का 1200 ठीक है, क्योंकि सभी छात्र दोनों फॉर्म नहीं भरते हैं। कुछ छात्र सिर्फ पेपर 1 भरते हैं, कुछ पेपर 2। देखिए लालच में आप लोग दोनों भर तो देंगे इस बार, काफ़ी छात्र ऐसे हो सकते जो लालच में आके पेपर 1 पेपर 2 भर देंगे कि यार 200 रुपये में क्या जाता है। लेकिन दोस्तों होता है क्या है ना, जब आप पेपर देते हो उसका जो सिलेबस होता है थोड़ा अलग होता है, जिससे कि आपकी तैयारियों में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे बातों को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि कुछ भी पढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वो पैसा वापस होना चाहिए, जो पहले था फीस वही कर देना चाहिए, जिससे कि जो गरीब छात्र हैं उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी छात्रों के हमारे पास कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर ये फीस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इसी वीडियो के दौरान हम आपको कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो शेयर करें तो दोस्तों आपका हो सकता है कि कुछ आपके लिए सुनवाई हो और आपके पैसे जो बढ़ाए गए हैं सरकार की तरफ से वो कम हो जाए। चलिए दोस्तों पहले हम बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है डीएलएड वाले छात्र दे सकते हैं, और अगर आप दोस्तों डीएलएड और बीएड के छात्र हैं तो दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सीटेट के लिए। और दोस्तों इसके बाद भी स्पेशल एजुकेशन काफ़ी करके बीएलएड है और ये सब कुछ है। देखिए खाली बात हो रही थी दोस्तों कि किन छात्रों को मौका मिलेगा। देखिए साफ साफ दोस्तों यहाँ लिखा है, ये परसेंटेज छोड़िए, इसको छोड़िए, या तो आप दोस्तों पास हो चुके हैं, ठीक है, आर अपीयरिंग। देखिए दोस्तों साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया अपीयरिंग इन फाइनल ईयर आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है दोस्तों इसको समझ लीजिए आप लोग क्या लिखा अपीयरिंग। साफ साफ दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया पेपर 1 अगर आप पेपर देना चाहते हैं अपीयरिंग और फाइनल ईयर में, 2 साल का कोर्स है अगर दोस्तों आप दूसरे साल में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अपीयरिंग का मतलब यही होता है, फाइनल ईयर का मतलब क्या है, अगर कोई कोर्स दोस्तों 2 साल का होता है, पहला साल दूसरा साल, तो आप दूसरे साल में आगे मतलब थर्ड सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, साफ साफ यहाँ पर लिखा है। बाकी उसके बाद दोस्तों आपको बचाने के लिए आपके लिए पास हाई कोर्ट का ऑप्शन तो है ही है ना। फिर दोस्तों उसके बाद देखिए पेपर 2 के लिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक अगर आप पेपर 2 का दोस्तों आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या जरूरत है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि नहीं, तो अपीयरिंग दोस्तों होता है कभी कभी नहीं होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी साफ साफ मेंशन है ग्रेजुएशन एंड पास्ट आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, ठीक है दोस्तों यहाँ पर भी देखिए साफ साफ लिखा है आपका अपीयरिंग इन फाइनल ईयर। तो जो छात्र मतलब अपीयरिंग में भी दोस्तों रहते हैं उनको मौका दिया जाता है। आप देते हैं बीएड वालों का दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक तो दोस्तों ये हो गया आपका बीएड, ठीक है ना, कि पास्ट आर अपीयरिंग 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों मतलब कहीं भी रहेंगे अपीयरिंग छात्र हैं तो आपको मौका मिलता है, बस कहने का मतलब यही है। काफ़ी छात्र इसको लेकर परेशान हो रहे थे कि अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिलता है, तो ये सब दोस्तों जो अपडेट्स आती है ना वो फर्जी रहती हैं, तो आपको उनसे बचना है।
अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आज की जो और अपडेट्स आई हैं। तो पहले दोस्तों देखते हैं ये 336 शिक्षकों वाला क्या मैटर था, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे आयोग ने कितने प्रश्नों पर नंबर बढ़ाएंगे और कैसे दोस्तों आपके नंबर बढ़ने वाले। देखिए क्या होता है ना, हर साल दोस्तों अगर आयोग गलती नहीं मानता तो आपके पास हाई कोर्ट का ऑप्शन होता है, हर साल छात्र जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों आपके नंबर तो मैक्सिमम टाइम बढ़ते हैं, तो उसको लेकर आप परेशान मत हुई। देखिए क्या अपडेट थी, पहले अध्यापकों के डुप्लीकेट अंक पत्र हुआ डिग्री से तैनात हो गए फर्जी शिक्षक। सीधे देखते हैं दोस्तों कैसे भाई एसटीएफ ने खुलासा किया। एसटीएफ को कुछ विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों के काम करने की शिकायत मिली थी। इस पर एसटीएफ ने इन शिक्षकों से संबंधित हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में टीम भेजकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट से इनके मूल निवास का पता निकाला और वहां संपर्क किया तो शिकायत सही पाई गई। इस दौरान पता चला कि जिस मूल व्यक्ति का अंक पत्र व दस्तावेज है वह तो पहले से ही मेरिट के आधार पर किसी प्रसिद्ध स्कूलों में प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है, जबकि उसके नाम और डुप्लीकेट अंक पत्र व दस्तावेज के आधार पर फर्जी शिक्षक किसी और विद्यालय में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब है। देखिए दोस्तों कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं भाई, क्या उदाहरण है। ज्योतिमा सिंह पुत्री, जो भी नाम इनका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंथरा सरोजनी नगर में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। इनके नाम और डुप्लीकेट अंक पत्र व अन्य दस्तावेज के आधार पर महाराजगंज के प्राथमिक विद्यालय, ठीक दोस्तों, रुद्रपुर भलुई में भी एक महिला कार्यरत है। अब दोस्तों एक और है, अवनीश कुमार शुक्ल, जो भी दोस्तों, ठीक है ना, ये गोरखपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि इनके नाम और दस्तावेज से प्राथमिक विद्यालय डबकी पूर्वा शिवपुरा बलरामपुर में कोई और व्यक्ति नौकरी कर रहा है। तो ये सब दोस्तों है पूरा मैटर। आप देख रहे होंगे कि यार ऐसा होता है कि मतलब दोस्तों फर्जी लगा के, मतलब जो छात्र मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, आप लोग यूपी टेट का पेपर देंगे, सुपर टेट का देंगे, आप लोग के लिए नौकरियां नहीं है। अब लेकिन दोस्तों जो कुछ नहीं भाई पैसा, मतलब यही तो दोस्तों खेल है ना, जिसके पास पैसा फेंको तमाशा देखो, वही चीज़ है दोस्तों। तो इनकी नौकरियां जाएंगी तभी आपके लिए नौकरियां आएंगी, तो आप परेशान मत होइए, आज नहीं तो कल आपके लिए ढेर सारी वैकेंसी आएंगी दोस्तों। जैसे जैसे खुलासा होता जाएगा आपके लिए नौकरियां आती जाएंगी। देखिए सीटेट के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहा है, परीक्षा जुलाई में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने जुलाई 2020 में आयोजित होने वाली केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट के आवेदन और परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। इसके लिए 24 जनवरी से 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, जबकि परीक्षा दोस्तों की 5 जुलाई को होगी, 27 फरवरी तक आवेदन शुल्क जमा होंगे। आवेदन सीटेट के अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही किया जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे कमेंट बॉक्स में, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं कि आज आवेदन आप कैसे कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है ना। और एक और दोस्तों अपडेट आपकी वही थी जो साठ गांठ का ऐसा खेल खुद ही करा लेते थे सर्टिफिकेट का सत्यापन। जी हाँ दोस्तों ये सब चीजें ना फर्जी वाली। देखिए दोस्तों जरा, मथुरा में सर्वाधिक 124 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों ये भी एक बड़ी अपडेट है यार, 124 फर्जी शिक्षक। एसटीएफ ने मथुरा में 124 सिद्धार्थ नगर में 37, अमेठी में 16, सीतापुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, वहाँ महाराजगंज में 5, बलरामपुर में 4, देवरिया व सुल्तानपुर में 3, बरेली में 2 और अम्बेडकर नगर व गोरखपुर में 1 फर्जी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि बलरामपुर में 2। ये सब चीजें हैं और इतने में से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो मतलब दोस्तों जांच भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो मतलब साफ है दोस्तों, अगर आपको कोई लगता है कि यार ये फर्जी व्यक्ति है और अगर आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप आग बंद करके उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। बीएसए को फोन करके आप शिकायत दर्ज कराई। देखिए बलरामपुर के बीएसए ने शिकायत पर नहीं दिखाई गंभीरता। देखिए दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है, अगर आप किसी एक सम्मानित पद पर हैं तो अगर आपको कोई कॉल करे तो आपको मतलब गंभीरता दिखानी चाहिए। देखिए क्या है दोस्तों कि एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक बलरामपुर में कई अध्यापकों के खिलाफ डुप्लीकेट दस्तावेज के जरिए नियुक्ति पाने की शिकायत मिली थी, मगर बलरामपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इसकी गंभीरता से जांच नहीं कराई। हालांकि औपचारिक जांच के बाद कुछ अध्यापकों की सेवा समाप्त कर दी गई तो कुछ खुद नौकरी छोड़कर चले गए। इसके अतिरिक्त जांच रिपोर्ट ने बताया कि विशेष आरक्षण श्रेणी के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर भी सहायक अध्यापक की नौकरी पाने के मामले में सामने आए। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, आप किससे शिकायत करेंगे, बीएसआई से तो कर सकते हैं, अब वो खुद ही आपकी गंभीरता नहीं दिखाता। मतलब कभी भी दोस्तों कैसे भी, अगर आप एक चीज बताएं, इस समय काफी छात्रों की टीचिंग चल रही होगी, अगर आप डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी टीचिंग चल रही होगी। काफी छात्र बीएड के भी होंगे जिनकी टीचिंग चल रही होगी। एक चीज दोस्तों आपको याद रखना है, टीचिंग के दौरान कभी भी आप पढ़ाने जाएं स्कूल में तो पहले दोस्तों आपको टीचर से खुद कहना चाहिए हमें पढ़ा के सिखाई कि हमें पढ़ाना कैसे है, ठीक है। आप लोग काफी जगह से दोस्तों हमें भी शिकायतें मिल रही है कि दोस्तों टीचर क्या होते हैं ना, पढ़ा नहीं रहे बच्चों को, सिर्फ बैठे रहते हैं बाहर,
भाई गर्म ठंडी का टाइम चल रहा है कि चलो ठीक है धूप लेते हैं। देखिए उनका काम है नौकरी करना, जाके दोस्तों धूप लेना उनका काम नहीं है। तो दोस्तों अगर वो नहीं पढ़ा रहे तो आपको दोस्तों इस पर एक्शन ले सकते हैं, वहाँ पर BSA के नंबर दिए होते हैं। अगर आपका गाँव का स्कूल है, खुद का स्कूल है, जैसे नहीं होता खुद का गाँव यार, मतलब आपके यहाँ के बच्चे अगर दोस्तों वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो कैसे आपका गाँव आगे पढ़ेगा। ठीक है, अगर आप एक पढ़े लिखे हैं जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं कि जो टीचर नहीं पढ़ाते हैं उस पर आप एक एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों क्यों नहीं पढ़ा रहे भाई, एक चीज़ आपको पता है काफ़ी जगह दोस्तों हमारे बच्चे मैसेज करते हैं सर ये लेसन प्लान ये सब हमें कैसे बनाना है और क्या क्या करना होता है। देखिए दोस्तों ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपने अध्यापकों से भी पूछनी चाहिए जहाँ पढ़ाने जाते हैं। आप ये सोचिए कि चलिए मान लेते हैं आप एक टीचर है, टीचिंग करने गए, कुछ बोलते हैं बच्चे कि सर हमें सीधे भेज दिया जाता है क्लास में कि जाइए आप पढ़ाइए। लेकिन दोस्तों रियलिटी क्या होती है ये बताइए आप। रियलिटी दोस्तों ये कुछ होती है ना कि अगर आप मान लेते हैं चलिए टीचिंग लाइन में हो गए तो आप सीधे पढ़ा लीजिए, मतलब आपको एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, पहले दिन से आपको कहा दिया जाता है कि जाइए पढ़ाइए। और दोस्तों मान लेते हैं कि आप कुछ कार मैकेनिक हैं या कुछ और चीज़ कर रहे हैं, दोस्तों मान लेते हैं कोई इंजीनियर है, आपको कुछ नहीं आता, आप ट्रेनिंग पर गए, आपको ये थोड़ी नहीं बोल देगा यार जॉब मशीन खोल दो सीधे, आपको कोई खोल के सिखाएगा ना कि मशीन में ऐसे ऐसे चलता है, लैपटॉप ऐसे चलता है, कि आपको दे देंगे हाँ भाई जाओ जाओ अपने मन से करो जो करना है। तो वही चीज़ है दोस्तों, जब तक आपको सिखाया नहीं जाएगा तब तक आप ट्रेंड कैसे होंगे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप अपने टीचर से जाके शिकायत करिए, नहीं सुनते तो BSA का फ़ोन है घुमा दीजिए और क्या, तो खुद आकर देखेंगे। दोस्तों देखिए इस समय डायल 1000 नंबर भी आया था लेकिन दोस्तों सही से काम कर रहे हैं नहीं अभी, दोस्तों उसका तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ ऐसे दोस्तों काफ़ी चीज़ें इस समय स्ट्रिक्ट है सरकार इसको लेकर कि अगर कोई प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाता तो उनको पढ़ाना पड़ेगा या तो नौकरी छोड़कर चले जाएँ, छोड़ के चले जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए नई नौकरियाँ आएंगी। तो दोस्तों कोशिश करिए कि ठीक है जो टीचर ना पढ़ाए तो उससे अच्छा वो नौकरी छोड़े और आप लोग उसकी जगह नौकरी प्राप्त कर लें तो ये भी बढ़िया रहेगा। और दोस्तों देखते हैं प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं, इसको भी दोस्तों अपडेट को देखेंगे क्या है भाई पूरी अपडेट। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET BTC व शिक्षा मित्रों के दूरस्थ BTC के प्रमाण पत्र अब अभ्यर्थी ऑनलाइन देख सकेंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उसे वेबसाइट पर अपलोड करा दिया है। इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी पत्र भेज कर अवगत करा दिया गया है। असल में 208 फरवरी 2019 को निर्देश दिया गया था कि UPTET BTC प्रशिक्षण और दूरस्थ विधि से अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय BTC प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन होना है। इसके बाद से प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया लंबी चली। तो ये सब दोस्तों अपडेट थी। तो अब चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्न हम देख लेते हैं जिस पर कि आपको आयोग को विचार करना पड़ेगा कि इन प्रश्नों पर नंबर पढ़ाने हैं या नहीं पढ़ाने हैं। तो दोस्तों देखिए हमने हर बार उस क्वेश्चन में मतलब जितने प्रश्न रहते हैं उसको वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो कितने नंबर दोस्तों आपके कॉमन बन सकते हैं, तो दोस्तों 3 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन आपके बनाए जा सकते हैं। अब फाइनल डिसीजन आपके देखिए फिर से बोलेंगे PNP का ही होगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, क्योंकि जो आपके आंसर माने जाते हैं वो आपके NCERT बुक्स होती है, SCERT। देखिए कि और बता दें अगर आपकी टीचिंग चल रही हो ना तो आप लोग जहाँ पढ़ाने जाते हैं तो दोस्तों जो मैथ्स की बुक होती है ये सब जो बुक्स है ना उसको आप लेके पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वो सब बुक्स बहुत ही अच्छी होती हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए आप लोग, वो NCERT पैटर्न्स की बुक्स हैं या SCERT होगी, दोस्तों NCERT तो नहीं होगी, SCERT की होगी, तो आप उससे पढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो वो सब चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं और बाकी दोस्तों जो अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल एक बार चलते चलते आपको कुछ झलक दिखा देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर विचार किया जा रहा है और किया जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये आपका होने वाला है कि सुमेल कीजिए। जी हाँ दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपने अगर देखा हो, अगर इसका दोस्तों जो सही आंसर PNP की तरफ से माना गया था वो दोस्तों विकल्प नंबर 4 था, CAB, ठीक है कैब। अगर दोस्तों आपने इसको टिक किया तो आपको एक नंबर तो मिला होगा, लेकिन दोस्तों अगर आपने इसको टिक नहीं किया है तो भी दोस्तों आपको एक नंबर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों काफ़ी बुक्स के अनुसार ये दोस्तों अपडेट थे कि इसमें आपका कॉमन नंबर भी नहीं मतलब मिलने वाला है। और दोस्तों देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इस पर भी दोस्तों आपको एक नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि जो संतान था दोस्तों इसका हमने आपको दिखाया भी, इसको स्त्रीलिंग भी माना जाता है पुल्लिंग भी माना जाता है। दोस्तों फाइनल डिसीजन फिर से हम बोलेंगे आपके आयोग का ही होगा, लेकिन दोस्तों इस पर देखिए खुद भी किताब में यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया संतान और संतान 2, एक जगह दोस्तों स्त्रीलिंग लिखा है यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर लिखा है पुल्लिंग। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन था कि कहाँ पर रेंडियर पाया जाता है, इस पर विचार किया जाएगा दोस्तों, जिसका विकल्प टैग और टुंड्रा प्रदेश होगा। तो जब इसकी फाइनल आंसर की जारी होगी दोस्तों सबसे पहले हम आपको अपडेट करके बताएंगे। और दोस्तों आपकी जो फाइनल आंसर की जारी होगी वो 31 जनवरी 2020 को जारी होगी। जी हाँ दोस्तों बस आप कुछ ही दिन के बाद आपकी फाइनल आंसर की जारी होने वाली है, तो आपको तैयार रहना है। और दोस्तों भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, एक क्वेश्चन ये भी दोस्तों है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में PNP ने माना है, लेकिन दोस्तों उत्तराखंड भी होगा, काफ़ी किताबों में भी ऐसा लिखा है। तो दोस्तों इस पर भी आपको विकल्प चेंज का आपको मौका दिया जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों एक और प्रश्न था कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर हमने बहुत ही अच्छे से आपको डिफाइन किया था कि यार ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ये होता है ना कि जैसे आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम
प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप समझ रहे होंगे कि प्रथम का मतलब प्रथम होता है, ना कि वर्तमान या बीच में कोई, तो बस वही चीज़ है। और दोस्तों पेपर टू में अगर आपने दिया हो तो देखिए, पेपर टू बहुत ही ज़रूरी है आपको पास करना, क्योंकि दोस्तों पेपर टू की वैकेंसी आने वाली है। अगर आप पेपर टू का पेपर नहीं दिए तो आपने बड़ी गलती की है, तो अभी आप परेशान मत होइए, सीटेट जुलाई 2020 का इंतजार करिए। अगर दोस्तों वैकेंसी आने में थोड़ी सी देरी होती तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था दोस्तों, एक नंबर यहाँ पर आपका बन सकता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इसका जो आंसर है बुक से दोस्तों मिलता जुलता है, और एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका असनी शब्द है, तो ये दोस्तों आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आपके कितने नंबर बढ़ते हैं और आयोग किन किन प्रश्नों पर विचार करेगा। और देखिए टोटल प्रश्न दोस्तों संख्या जो आपको बता दें, अगर आपने पेपर वन का पेपर दिया तो टोटल पेपर वन में जो ऑब्जेक्शन किए गए वो 40 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज है, और पेपर टू में दोस्तों जो टोटल प्रश्न है वो आपके हैं 24 क्वेश्चन। तो डेफिनेटली दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके प्रूफ हैं दोस्तों, जो 7-6 है ना वो बहुत ही पक्के हैं। देखिए इस बार हर एक प्रश्न का आपको ₹500 देना है, तो दोस्तों मतलब ये हम बता रहे दोस्तों कि ₹500 वाले दोस्तों जो इसका क्वेश्चन दिख रहे ना 40 प्रश्न, तब पैसे दे के आपत्ति दर्ज कराई गई, तो मतलब दोस्तों थोड़ा बहुत प्रूफ में दम होगा और आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि दोस्तों आपके शिक्षा विभाग में कुछ काम हो और फर्जी शिक्षक निकले और आप लोगों को नौकरी मिले। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।